भाई राजीव रंजन जी, श्रीमती राजनी रंजन जी, प्रेक्षागृह में उपस्थित मेरे गुरु आदरणीय अशोक प्रसाद जी, उपस्थित मित्रगण, देवियों, सज्जनों, मीडिया से आए प्रतिनिधिगण, दोस्तों, आज एक बहुत ही खास उद्देश्य के साथ हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज महादेवी वर्मा जी का जन्मदिवस है और महादेवी वर्मा जी साहित्य का, हिंदी साहित्य का, हिंदी कविता का एक ऐसा नाम है, एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसा मील का पत्थर है जो कई मायने में अभूतपूर्व है, कई मायने में अद्भुत है। छायावाद की महान परंपरा जो भारतीय साहित्य और भारतीय कविता है विशेष तौर पर आई, महादेवी जी उसकी एक स्तंभ है। और महादेवी जी ने जो कुछ भी लिखा उसके पीछे एक मर्म था, एक सोच थी, एक परिकल्पना थी। महादेवी जी उस दौर में रही जब छायावाद अपने चरम पर था और इस श्रृंखला में कई ऐसे कवि, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के साथ जो परंपरा का शुभारंभ हुआ, वो सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और पहले ही आए। और ये सिलसिला, इसने हिंदी साहित्य को एक ऐसी पहचान, एक ऐसा मुकाम दिया जो वाकई एक मील का पत्थर है, माइलस्टोन है। और ये सभी कवि, चाहे वो महादेवी हो, चाहे वो पंत हो, चाहे वो निराला जी हो, चाहे वो जयशंकर प्रसाद हो, उस दौर के और भी अन्य कवि, चाहे वो मैत्री शरद गुप्त हो, सभी अपने आप में अभूतपूर्व थे और सभी के अंदर समाज के प्रति एक पॉजिटिव सोच, किस प्रकार से समाज का निर्माण हो, किस प्रकार से इंसान के व्यक्तित्व का विकास हो। अच्छा साहित्य व्यक्तित्व विकास का एक साधन होता है। यदि आप अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, यदि आप अच्छा गीत गाएंगे, अच्छा गीत सुनेंगे, अच्छा संगीत सुनेंगे, तो आपका जो व्यक्तित्व है, जो उसका विकास होगा, आपकी जो सोच होगी वो पॉजिटिव होगी, आपका व्यक्तित्व का विकास पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ राजीव रंजन जी का, इस कार्यक्रम को उन्होंने आयोजित किया है और जिस बैनर के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया वो भी अभूतपूर्व है, जीके से। जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा तो मैंने कहा कि लगता है कोई कंपनी का ये नाम है, जीके सीमेंट, जीके ग्रुप ऑफ कंपनीज। लेकिन जब मैंने पूरा एब्रिविएशन पढ़ा, इसमें तीन शब्द, ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल यानी वैश्विक, कायस तब सभी जानते हैं, कायस को, मैं कायस को जाति नहीं मानता, मैं कायस को विचारधारा मानता। मैं इस बात में यकीन करता हूं कि जो भी कलम के रोटी खाता है वो कायस है। हम सभी कलम की रोटी खाते हैं, आप जानते हैं। और कॉन्फ्रेंस यानी कि समागम, तो ये बड़ा ही अभूतपूर्व, एक बड़ा ही अनूठा संकल्प है, अनूठा प्रयास है राजीव जी का, रागिनी जी का, उनकी पूरी टीम का। और इस अवसर पर
कला और साहित्य से जुड़े परिमल जी बैठे हैं, पत्रकारिता से जुड़े, यानी कि जो लोग भी साहित्य की सेवा कर रहे हैं या जो लोग भी साहित्य, मैं कहूँगा जो लोग भी साहित्य की आराधना कर रहे हैं, साहित्य की पूजा हम कर सकते हैं, साहित्य की हम क्या सेवा करें। इतना छोटा व्यक्तित्व हमारा है कि हम हिंदी साहित्य जैसे महान परिकल्पना, महान उद्देश्य की हम क्या सेवा कर सकते हैं। हम तो इसकी पूजा कर सकते हैं, इसकी आराधना कर सकते हैं। तो ऐसे सभी लोग जो हिंदी साहित्य की आराधना कर रहे हैं, उनका समागम करना अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व प्रयास है। इस अवसर पर मुझे क्या बताया गया कि न सिर्फ हिंदी बल्कि हमारे देश की जो संस्कृति है, गंगा जमुनी संस्कृति, और जिस संस्कृति को हमारे साहित्यकारों ने, हमारे कवियों ने, हमारे लेखकों ने जिस संस्कृति को आगे बढ़ाया है, जिसकी व्याख्या की है, तो हिंदी के साथ हमारी दूसरी महत्वपूर्ण भाषा है उर्दू। तो हमने आज इस मंच से हिंदी के साथ साथ उर्दू को भी सम्मानित करने का निर्णय लिया। ये अपने आप में राजीव जी का एक बहुत बड़ा, मैं मानता हूँ कि बहुत ही सराहनीय प्रयास है।